सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस वीडियो, ये जो वीडियो है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 4 साल से मैं निखिल भाई के वीडियोज़ देख रहा हूँ एंड आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो सिंस ऑगस्ट 2019, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एंड आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू पुट दिस वीडियो आउट। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि मैंने इसमें जान डाल के मेहनत की है। स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, म्यूजिक सिलेक्शन हो गया एंड स्पेशली टू हाईलाइट हाउ मुंबई के निखिल ब्रॉट व्लॉगिंग इन इंडिया बीइंग अ फैन। तो आई होप, आई एम वेरी नर्वस एज आई स्पीक, तो आई होप आपको पसंद आएगा एंड आई एम एक्सपेक्टेशंस नहीं है वीडियो से, बट हाँ आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने के लिए इफ़ यू आर एन MN फैन, और अगर नहीं हो तो आप फैन हो जाओगे एज यू वॉच द वीडियो। सो लेट्स बिगिन। अगर आज से 6 साल पहले आपको कोई पूछता व्हाट इज अ व्लॉग, तो आपके पास उस चीज़ के लिए कोई जवाब नहीं होता। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ व्लॉग्स बिकेम अ थिंग इन इंडिया 2014 में, जब किसी को पता भी नहीं था व्हाट इज व्लॉगिंग, एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे जब व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है, बी इट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, फूड व्लॉगिंग और टेक्निकल रिलेटेड टर्म्स है व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग हैज़ बिकम अ ब्रॉडर एस्पेक्ट इन इंडिया एंड वो कैसे हुआ देखते जाओ। But, व्लॉगिंग को इंडिया में लाया कौन? Who was the one who took the risks? Who was the risk taker? Who was the opportunity maker? Who was the one जिसने इतनी ज़्यादा गालियाँ खा के भी व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा? Ladies and gentlemen, it was none other than our very own मुंबईकर निखिल। अब ये जो वीडियो है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट बींग एज द टाइटल सजेस्ट कि हाउ मुंबईकर निखिल ब्रॉट व्लॉगिंग इन इंडिया, एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है ये वीडियो का, इट विल बी कि हाउ ही सेटअप, मतलब बेसिकली हम मुंबईकर निखिल हैड सेटअप ट्रेंड्स जो आज तक चलते आ रहे हैं। वो जो ट्रेंड्स 2015-14 में स्टार्ट किए थे वो आज 2021 तक चल रहा है, मतलब वो चीज़ के बारे में आई एम गोइंग टू गो इन द डिटेल एंड एक्सप्लेन। बट उसके पहले लेट्स बिगिन टू टॉक कि हाउ ही ब्रॉट व्लॉगिंग इन इंडिया, जो कि आई एम प्रीटी श्योर जो MN की ऑडियंस नहीं है उनको तो पता ही नहीं होगा, बट जो नई ऑडियंस है ऑफ मुंबईकर निखिल उनको भी नहीं पता होगा। So let's begin, it gets very very interesting। अब वापस जाते हैं 2014 के उन दिनों में जब किसी को पता भी नहीं था व्हाट इज व्लॉगिंग। अरे व्लॉगिंग तो छोड़ो, किसी को ये तक नहीं पता था व्हाट इज मोटो व्लॉगिंग, विच वॉज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट इवन बिफोर मुंबईकर निखिल गेम, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मोटो व्लॉग्स आर अ थिंग। वी स्टार्टेड विद लाइक वेरी बेसिक वीडियोज लाइक एनी अदर यूट्यूबर और व्लॉगर वुड डू विथ हिज न्यू व्लॉगिंग चैनल। ही स्टार्टेड शूटिंग वीडियोज विथ हिज SJKM हार्ली डेविडसन बाइक था, रिजवान वॉज राइडिंग द बाइक एंड ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बाइक एंड ही वॉज शूटिंग विद दैट सेल्फी स्टिक। अभी सेल्फी स्टिक का जब तक मुझे याद है वो सेल्फी स्टिक भी कुछ का जुगाड़ किया था कि वो कुछ तो था किसी चीज़ पे लगाया था, आई डोंट रियली रिमेंबर वेरी वेल, बट हाँ वो कुछ जुगाड़ ही, दैट वॉज नॉट अ सेल्फी स्टिक एंड ही वॉज शूटिंग लाइक दिस and made that video and randomly uploaded it on internet. Now these were not the things which made Mumbaikar Nikhil a hit. अभी मैं आपको बताने वाला हूँ how he innovated his own hobby and made it a big fat trend. Now this that you're seeing on your screen, this is no doubt a motor vlog, but it was a bit different from the usual ones. He's not talking about his bike, but about all the other random things on the road and joking around. Ye tha thoda sa innovation. Aage aage dekhte jao how it gets more and more interesting. This guy made a mind-blowing motor vlog. How the name Bawai came into existence? Arre bhai, I can't even think ki wo time mein this thing came in his mind, jo aaj mere mind mein aati hai. He was definitely ahead of time.
अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ें ऑल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ हेट एंड क्रिटिसिज्म. काफ़ी लोग फ्रॉम द मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी स्टार्टेड हेटिंग हिम फॉर वॉट ही वॉज डूइंग, क्योंकि एक स्टैंडर्ड से शिफ्ट हो रहे थे निखिल भाई, एंड एट दैट टाइम दैट शिफ्ट वॉज सेटिंग लेवल्स वेरी डैम हाई. ये चीज़ कम्युनिटी को पसंद नहीं आई, बट द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, ही केप डूइंग इन स्पाइट ऑफ बींग हेटेड एंड निगलेक्टेड फ्रॉम अदर बाइकर्स कम्युनिटी. आफ्टर दैट ही केप पोस्टिंग डेली ऑब्जर्वेशन, बाइक रिव्यूज, न्यू बाइक राइड्स, राइडिंग गियर रिव्यूज एक्सेट्रा, छोटी मोटी राइड्स एंड एवरीथिंग. तो भी ये तो बात हो गई कि हाउ ही स्टार्टेड विथ मोटो व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग. अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ. दिस गाय रोड ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, एंड इट हैड बीन मोर देन 15 मंथ्स, लाइक 15 महीने 16 महीने हो गए थे सिंस ही हैड स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल. सो ही हैड स्टार्टेड गेटिंग कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टॉकिंग विद द कैमरा, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी, स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा हो गया था. तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर मी एज अ व्यूअर, क्योंकि वो टाइम पर मैं जब देखता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था देखने के लिए, क्योंकि वो कुछ अलग था जो कोई नहीं कर रहा था. लाइक इधर से उधर राइड करते टाइम व्लॉग करो, नाउ इट हैज़ बिकम नॉर्मल, बट वो टाइम पर ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2016, अभी 2016 तक बहुत सारे ऐसे मुंबई टू दिल्ली वाले राइड व्लॉग्स हो गए थे, बाइक रिव्यूज हो गए थे, डब स्मैश वीडियोज हो गए थे, एंड ये सारे नॉर्मल वीडियोज ही केप्ट पोस्टिंग एज एंड व्हेन ही केप्ट गेटिंग गुड एट इट. एंड टिल जनवरी 2016 अच्छी खासी फॉलोइंग भी आने लग गई थी. लाइक ही हैड स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स फ्रॉम अराउंड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एंड एवरीथिंग. अब एक्चुअली मुंबई का निखिल के करियर में टर्निंग पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा थे, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी विच ग्लोड हिम अप, बट 2016 वॉज द स्टार्ट. लाइक 2016 वॉज द कोर टाइम मोटो व्लॉगिंग हैड स्टार्टेड बिकमिंग अ ट्रेंड जस्ट बिकॉज मुंबई का निखिल गेव इट अ शाउट आउट. ही मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा कि ही ब्रॉट इट, ही डिडंट ब्रिंग मोटो vlogs, but he gave it a shout out, and through that बहुत सारे लोग करने लग गए थे मोटो व्लॉगिंग जो मुंबई का निखिल ने स्टार्ट किया था 2014 में. सो ही वॉज ऑब्वियसली अहेड ऑफ हिज टाइम, बट या तो मोटो व्लॉगिंग हैड स्टार्टेड बिकमिंग अ ट्रेंड. लोगों को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, लोग कर भी बहुत रहे थे मोटो व्लॉग्स एंड एवरीथिंग. बाइक पे कैमरा लगा के राइड करने का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया था. Now let me tell you something very interesting. अभी जुलाई 2016 was an ultimate game changer because Mumbai to Ladakh. अब ये जो ride है ये किसी ने नहीं की थी, and Mumbai का निखिल was the one to do such kind of ride from Mumbai to Ladakh and shoot a vlog out of it. अब ध्यान से सुनना, he was getting 10 to 20,000 subscribers per day. Like 10 to 20,000 subscribers. Like this is such a huge number by 10,000 से 20,000 लोग रोज सब्सक्राइब करना. इधर मेरे 5-10 लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते, बट वॉट एवर इट इज, सो या 10-20,000 लाइक वाओ. बट यार देखने जाए तो बिफोर लद्दाख ऑल्सो ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रिंगिंग इनोवेशंस एंड ट्रेंड्स एज आई टॉक्ड अबाउट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो. तो बिफोर लद्दाख ऑल्सो ट्रेंड्स तो सेट हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख सीरीज वॉज द वन जिसके वजह से मुंबई का निखिल ग्रू. उसके पहले जो द स्टेप्स ही बिल्ड फॉर हिमसेल्फ, जो स्टेयर्स ही बिल्ड फॉर हिमसेल्फ, लाइक ही स्टार्टेड विद एंट्री लेवल मोटो व्लॉग्स, फिर उसके अंदर थोड़ा इनोवेशन, फिर उसके अंदर थोड़े नॉर्मल व्लॉग्स डालना स्टार्ट किया, बाइकर्स Q&A, फिर बाइक रिव्यूज़, तो वो थोड़ा इनोवेटिव था. एंड लद्दाख सीरीज वॉज द वन विच वॉज एट द 10th floor, लाइक 10th floor वॉज द टॉप, एंड फ्रॉम द टॉप ही सबके नज़र में आ गया कि भाई हाँ मुंबई का निखिल करके कोई है. इसके पहले सबके नज़र में तो नहीं था, बट ही वॉज डूइंग प्रिटी गुड थिंग्स एज आई हैव नोटिस्ड एज अ व्यूअर, बट लद्दाख सीरीज वॉज द बेस्ट. तो 2014 से लेके 2016 तक का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाता था विथ मुंबई का निखिल, बिकॉज इट वॉज द यंग जनरेशन वॉज वॉचिंग हिज वीडियोज एंड ही वॉज शेयरिंग हिज लाइफ, स्ट्रगलिंग हार्ड, हसलिंग हार्ड, एंड वो सारी चीज़ों पे नॉर्मल यंग जनरेशन, मेरे जैसे लोग तो भाई ऑब्वियसली कनेक्ट कर ही पाएंगे. देन इन डिसम्बर 2019 ही हैड प्लान्ड अ भूटान ट्रिप, एंड एज गुड एज आई रिमेंबर वो डीमोनेटाइजेशन की वजह से कैंसिल हो गई थी. He went to Kolkata, he came back, started making normal vlogs in Mumbai with his DSLR, Canon 80D. Then he came back to Mumbai, hit 100,000 subscribers, went back for a K2K ride, और उसके बाद आया बहुत बड़ा transition in his vlogging life. He had won a $2,000 voucher, and from that he bought a Canon 80D DSLR. अब ये कैमरा से व्लॉग करने में रिस्क बहुत थे उन दिनों में, बिकॉज कोई नहीं कर रहा था.
इंडिया के सारे मोटो व्लॉगर्स जो निखिल को देख के जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो सब एक्शन कैमरा एंड गोप्रो से वो चीज़ 2016 में कर रहे थे, विच निखिल ऑलरेडी डिड इन 2014. एज आई सेड, ही वॉज ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम. अब ये जो कैनन 80D से व्लॉगिंग चालू किया था, तो कैनन 80D कैमरा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, एंड मोमेगा निखिल व्लॉगिंग विद द कैनन 80D वॉज ऑल्सो वेरी फेमस. तो भी ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी और काफ़ी ज़्यादा इंडियन व्लॉगर्स कैनन 80D खरीदने लग गए, उससे व्लॉगिंग चालू कर दिया. तो ये जो सारी चीज़ें थी ना बाकी इंडियन व्लॉगर्स ने जो चालू किया, इट वॉज नॉट कि उनकी मेहनत नहीं थी, उनकी मेहनत तो थी, बट इट वॉज कंपेरेटिवली ईजियर फॉर देम टू ग्रो एज कम्पेयर टू मोमेगा निखिल. बिकॉज ऐसा ही होता है यार, जो कोई नया बंदा आता है मार्केट में, कुछ नई चीज़ लाता है, उसको ही कॉपी. फॉर एग्जाम्पल अभी अपने एयरपॉड्स हो गए एप्पल के, तो एप्पल ने तो एयरपॉड्स बना दिए, अब बाकी छोटी छोटी कंपनीज भी वो वायरलेस बड्स बना रही है. तो एफर्ट वो लेता है जो स्टार्ट करता है, उसके बाद किसी को इतना एफर्ट नहीं लेना पड़ता जिस एज कम्पेयर टू जिसने स्टार्ट की थी वो चीज़. आई होप आपको समझ गया होगा. अब थोड़ा फास्ट जाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ तक वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, बट यार दिस वॉज द कोर पार्ट. अगर स्टार्ट से यहाँ तक आपने पूरा वीडियो अच्छी तरीके से ध्यान से सुना है, देखा है और समझा है, तो आपको पता तो चली गया होगा कि हाय हाउ मोमेगा निखिल ब्रॉट ब्लॉगिंग इन इंडिया. नाउ आई टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो ऑलरेडी ट्रेंड्स थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में यू डोंट नो. 2017 में वाइट डेजर्ट टू मनाली देन लद्दाख 2.2 हैपेंड ऑन हिज न्यू बाइक टाइगर. नाउ वेट अ सेकेंड, आफ्टर ही गॉट हिज न्यू बाइक, निखिल भाई ने फुल ऑन गिस डाला था टाइगर को. ही डिड हेल लॉट ऑफ राइड्स. तब तक भाई ट्रायम्फ टाइगर खुद एक ट्रेंड बन गया था. एवरी वन इन द व्लॉगिंग कम्युनिटी वॉज अमेज्ड कि ये बंदा एडवेंचर बाइक लेके इतने ब्यूटीफुल व्लॉग्स बना रहा है, वो भी इंडिया के अंदर. After this, he continued to make similar content, lots and lots of new rides, new gear, वो vlogging gear introduce करते रहते थे, and after that he also used to make reviews about riding gear. Then Shanice was frequently coming in vlogs, which was also a very big risk and responsibility. 2018 was big, he did Nepal ride, got a new vlogging camera, Lumix GH5S, hit 1 million subscribers. तो अब तक perfectly vlogging आ गया था इंडिया में, and he was successful to do his part, or should I टू गिव हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. अब 1 मिलियन के बाद की कहानी आप सबको पता ही होगी, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम फ्रॉम हियर. यहां से स्टार्ट होता है हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड कॉम्पिटिशन. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है? अभी ये जो पार्ट है ये ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद द लास्ट पॉइंट जो है कॉन्ट्रोवर्सी. बट हाँ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इज समथिंग दैट निखिल वॉज स्ट्रगलिंग मेकिंग वीडियोज, एवरीवन वॉज रिलेटिंग टू इट, ही वॉज नॉट शेयरिंग द बैड पार्ट सिंस द स्टार्ट. वो कोई अचानक से शेयर करना बंद कर दिया था, ऐसा नहीं था. ही वॉज नॉट शेयरिंग दोज थिंग्स सिंस द स्टार्ट. बड़े भाई की तरह अपने सब्सक्राइबर्स को गाइड करना, उनको मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देना. सो दिस वॉज बेसिकली ऑल द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दैट ही यूज टू गिव इन दोज डेज. अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में. अभी 2014 से लेकर 2019 तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं था. मुंबई का निखिल वॉज द किंग ऑफ व्लॉगिंग इन इंडिया, एंड ही इज स्टिल द किंग दो. बट आज काफ़ी ज़्यादा व्लॉग चैनल्स आ गई है एंड एवरी वन इज डूइंग गुड. अब व्लॉगिंग तो आ गया है, एंड उसके साथ साथ कैटेगरीज भी काफ़ी ज़्यादा 2020 में आई थी और 2019 में भी आई थी. विद दोज कैटेगरीज का फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, तो ये जो तीन चीज़ थी, ये तीन कोर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी. देखो भाई, फैमिली व्लॉगिंग जो है इट इज़ वेरी रिलेटेबल, दैट्स व्हाट आई थिंक, एज कम्पेयर टू लाइफस्टाइल व्लॉगिंग. तो दैट इज़ द रीज़न लोग फैमिली व्लॉग्स देखना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी रिलेटेबल है, ऐसा नहीं है, बट या अगर मैं भी होऊंगा तो मुझे भी किसी की फैमिली देखने में इंटरेस्ट होगा. अब कुछ बड़े महाशय धुलंधर लोग हैं जो फैमिली व्लॉगिंग को लाइफस्टाइल व्लॉगिंग से कंपेयर करते हैं, लाइक दो व्लॉगर्स को कंपेयर करते हैं, एक फैमिली व्लॉगर को और एक लाइफस्टाइल व्लॉगर को. इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, लाइक कैन यू इवन बिलीव? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेटली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. बट या, थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कॉन्ट्रोवर्सीज. अभी ये जो पार्ट है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद लिखा है, एंड अगर मैं थोड़ा हाइपर हो जाऊँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का, आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम कि मैं ये पार्ट के बारे में भी मुझे बात करनी थी, तो लास्ट पार्ट में मैंने इसको डाल दिया. अभी ध्यान से ये पूरी चीज़ को सुनना.
और समझने की कोशिश तो आप करोगी। अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े महारथियों ने ये चीज़ क्लेम की है कि निखिल शोज़ ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ही नेवर शोज़ द नेगेटिव पार्ट्स एंड ऐसी कुछ सिमिलर चीज़ है। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ रॉन्ग इन शेयरिंग द पॉजिटिव्स। अभी वुड यू लाइक टू शेयर कि तुम्हारे घर में जो झगड़े हो रहे हैं, वुड यू लाइक टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, वुड यू लाइक टू शेयर योर ब्रेकअप स्टोरी ऑन सोशल मीडिया एंड वुड यू लाइक टू शेयर कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, मैं एकदम कंगाल हो गया हूँ, और वो चीज़ करके सिंपथी गेन करना आप पसंद करोगे। चलो मुझे बताओ, वुड यू लाइक टू शेयर दिस, वुड यू, और ऐसे ही अकड़ अकड़ में हाँ मत बोल देना। 10 बार ये चीज़ को सोचना समझना कि 1000 लोग, 1,00,000 लोग, 10,00,000 लोग भी आपकी स्टोरी देखेंगे एंड इसमें से एनी वन ऑफ देम कैन बी योर फैमिली मेम्बर जिसको एम्बेरसिंग फील हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स है, तो सोच समझ के इसका आंसर मुझे देना इन द कमेंट्स। सो गाइज, दिस इज इट, दिस इज द एंड। व्लॉग्स तो सब बना रहे बट किसी को पता नहीं था कि व्लॉगिंग इंडिया में लाया कौन, एंड यू नो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे विच लेड मी टू मेक दिस वीडियो, और इसको मुझे ऐसे ऐसे पहले से बनाना था। तो आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। अब ये जो वीडियो की राइटिंग है, राइटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम घुस गया मेरा, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता या 10 दिन घुस गए, बिकॉज द थिंग वॉज कि मुझे इसको अच्छी तरीके से करना था। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा राइटिंग कर दिया, दूसरे दिन में मटीरियल डाउनलोड एंड तीसरे दिन में अपलोड, ऐसा नहीं किया मैंने। आई हैव वेल रिसर्च्ड अबाउट इट, और ये जो मैंने सारे पॉइंट्स डाले हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च है। तो आई डोंट रियली थिंक कि कुछ गलत किया है मैंने, एंड इफ़ एट ऑल यू थिंक ये मैंने व्यूज़ के लिए किया है तो यार आप जो समझो वो आया। अभी मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं बैठने वाला कि भाई व्यूज़ के लिए नहीं किया ये वो, मुझे बनाना था, काफ़ी टाइम से इच्छा थी मेरे मन में तो मैंने बना दिया। राइट नाउ आई हैव सम ऑडियंस, तो वो लोग को भी पसंद आए एंड everyone knows basically. So this was it. Thanks for watching this video. For whatsoever reason, if you enjoyed watching, please hit the like button. सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा ना, मेरे थोड़े व्लॉग्स देखना, 5-6-10 व्लॉग्स देखना, पसंद आए चैनल, लगे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकता है, तो सब्सक्राइब करना। दिस वॉज इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। भाई बहुत बड़ी ट्रिप प्लान की है मैंने, आई एम गोइंग टू